ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयां, डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज फिर की हदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। छापामार टीमों ने कार्रवाई करते हुए अदालती इश्तिहारी समेत दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में निसार अहमद और नईम अख्तर शामिल हैं। मुलजम नईम अख्तर ने मुतासरा को गैर कानूनी तरीके से यूनान भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम नईम अख्तर ने मुतासरा को गैर कानूनी तरीके से यूनान भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा से 32,55,000 रुपए और 6,000 UAE दरहम हथियाए। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मुलविस अदालती इश्तिहारी को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम निसार अहमद को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर में साल 2011 से मुकदमा दर्ज था। मुलजिम गुज़श्ता कई सालों से रूपोश था। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विक की हदायत पर इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर रियाज खान ने इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील दिए हैं।